ये 19 हो गया। अच्छा तो यहाँ पर एक सवाल है कि तीन सेलिब्रेशन जो हम मनाते हैं, यानी कि इमामत दिन, इमाम की सालगिरह यानी कि बर्थडे, और नवरोज, दो सेलिब्रेशन जो है वो हम शाम के वक्त ऑब्जर्व करते हैं, जबकि नवरोज का सेलिब्रेशन जो है वो मॉर्निंग के दिन हम सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि मॉर्निंग के वक्त में, मॉर्निंग के जमात होने के साथ। चूँकि नवरोज का ताल्लुक एक नए दिन से है, यानी कि हम ये कहते हुए कि आज एक नया दिन है, हम उसको अर्ली मॉर्निंग के जब सूरज निकल रहा है उस वक्त हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। यानी कि आज इमाम, यानी कि जो दीन का सूरज है वो हम पर तुलू हो रहा है और उसकी रोशनी हमारी तरफ आने लगी है और हम उसको देख पाते हैं, उसकी वजह से हमारी आंखों में नूर आया है और हमारी ज़मीन से अंधेरा छट गया है और हम अब अपने रास्ते को इमाम की हिदायत और रोशनी में वाज़े तौर पर देख सकते हैं। अब हम अपना कामकाज, यानी कि अपने दीन के कामकाज को अच्छी तरह से बजा ला सकते हैं और अब हम अपनी ज़मीन की खेती पर हल चला सकते हैं और अपनी रूह को आबाद कर सकते हैं और अपनी अकल को इल्म से आबाद कर सकते हैं। और ये मॉर्निंग की निशानी है। तो आपने देखा कि तीनों के तीन सेलिब्रेशन का ताल्लुक इमाम से है, यानी कि इमाम का जन्मदिन का ताल्लुक इमाम से है, इमाम की इमामत का ताल्लुक इमाम से है, और नवरोज का भी ताल्लुक इमाम ही से है, यानी कि वो दिन के जब इमाम अपने नूर की रोशनी और गर्मी और बारिश यानी कि रहमतें हम पर नाजिल करता है, तो वो दिन हकीकी मायनों में हमारे लिए नवरोज है। और दोबारा से, अगर दुनिया के दूसरे लोग जो नॉन इस्माइली है वो भी नवरोज मनाते हैं और हम भी नवरोज मनाते हैं, तो उसमें क्या फ़र्क है? फ़र्क ये है कि हम उसको बातिनी तौर पर भी मनाते हैं, और अगर कोई शख्स सिर्फ उसको दुनियावी तौर पर लेता है, यानी कि ज़ाहरी तौर पर नवरोज को मनाता है, चाहे वो इस्माइली भी है, तो वो किसी नॉन इस्माइली और किसी नॉन मुस्लिम से बेहतर नहीं है। अगर आप अपने आप को हकीकी इस्माइली कहते हैं और आप इमाम के मुरीद हैं, हकीकी मुरीद हैं, तो इमाम के हकीकी इल्म के साथ और ज़माने के इमाम की इताहत करते हुए, उसकी फरमान बरदारी करते हुए, उसकी रोज़ी को लें और उससे अपनी रूह और अकल को आबाद कर दें और उसके अंदर से जो ज्ञान है, जो इल्म है, जो मीठा इल्म है, उसको लें और अपने आप को खुश और खुरंद कर दें। तो ये बहुत अच्छा सवाल था, क्योंकि वो दिन का आगाज़ है, एक नए दिन की तरफ इशारा है, तो नवरोज एक नए दिन की तरफ हमें इशारा करता है। हमने अपनी ज़िंदगी में जो भी किया उसको भूल जाएं, आज एक नया दिन है, आज से ये तैयार कर लें हम कि हम इमाम के फरमान बरदारी में रहेंगे, इमाम के नूर की रोशनी में रहेंगे और इमाम के नूर की गर्मी में रहेंगे।
इंशाल्लाह इमाम हम पर बहुत मेहरबान है, बहुत मेहरबान है, बहुत मेहरबान है। वो चाहता है कि हर मोमिन कम से कम एक बार ज़रूर उसके नूर का दीदार इसी ज़िंदगी में करें। इंशाल्लाह ये दुआ हमारे हक में है। आमीन या रब्बिल आलमीन। याली मदद, याली मदद। अब ये ऑफिशियली इस्माइली का कब से बने? ऑफिशियली हमारे खोजों का जब हसन शाह और अली हसन शाह माँ बाप आए तब से खोजों के लिए नवरोज का दिन आया। उन्हें इंडो पाक के अंदर हम नहीं मनाते थे नवरोज, लेकिन इसलिए वो समझते कि ये ईरानी सेलिब्रेशन है। एग्जैक्टली, लेकिन इस्लाम के अंदर नवरोज जो है वो अलमौत के ज़माने में मनाया जाता था और इमामों के साथ बनाया जाता था, और मतलब नबी साहब के ज़माने में भी मनाया जाता था, और कहते हैं कि उससे पहले भी मनाया जाता था क्योंकि इट्स अ सेलिब्रेशन ऑफ स्प्रिंग। तो इसको हर पैगंबर ने, हर इमाम ने इसकी तरफ तवज्जो दिलाई। हाँ, क्योंकि हमको नाइट स्कूल में जब हम छोटे थे याद है कि नवरोज का दिन था जब नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती पहाड़ पर टच गई। हाँ, एग्जैक्टली नवरोज का दिन था जिस दिन आदम के अंदर रूह फूंकी गई। हाँ, नवरोज का दिन था जब नबी साहब को जबरील ला के बोला इकरा बिस्मे रब्बिका। बेशक यही बात है। तो वो तो कोई भी दिन हो सकता है, लेकिन जिस दिन वो हुआ वो नवरोज हो गया, वो नवरोज हो गया। तो आपके लिए नवरोज होगा कि जब 21 मार्च से कोई उसका लेना देना नहीं, उसका कोई लेना देना नहीं। वो सिर्फ फिजिकल सिंबल के तौर पर है कि जिस दिन आपके ऊपर इमाम के नूर की रोशनी पड़ेगी और आपकी जमीन पर स्प्रिंग आएंगी, वो दिन आपके लिए नवरोज होगा। हो सकता है मेरे लिए ना हो। हमने समझा कि 21 मार्च को नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती पार को छुई, लेकिन वो 21 मार्च को नहीं छुई, वो जब छुई उस दिन नवरोज। तो इसको क्रिटिसाइज किया गया है कुरान के अंदर कि आप देखें कि नवरोज का दिन क्या है। ये 36 की 33 का रेफरेंस है कि जिस दिन जमीन अपना रुख सूरज की तरफ कर लेती है, कि किस तरह से हर जमाने के अंदर इमाम का सूरज चमकता रहता है, वो अपनी जगह पर ही है, लेकिन लोग जब उससे मुंह फेर लेते हैं तो उन पर अंधेरा यानी कि जहालत छा जाती है। और जब जब लोग इमाम की तरफ रुख कर लेते हैं या पैगंबरों के ज़माने में उनकी तरफ रुख कर लेते हैं तो वही जमाने का सूरज होता है और वही उसको रोशनी और हिदायत देता रहता है। तो जो मुंह फेर लेते हैं उसको कभी भी नवरोज नसीब नहीं होती, और कोई होते हैं जो हमेशा नवरोज का दिन मनाते हैं। हाँ, एक के लिए रोज़ाना नवरोज है और एक के लिए कभी भी नवरोज नहीं है, क्योंकि वो ज़मीन जो बंजर है उसके ऊपर तो नवरोज कभी नहीं आ सकता, स्प्रिंग नहीं आती कभी भी, चाहे कितनी भी बारिश हो जाए, तो वो बंजर ज़मीन की तरह रहता है फिर।